हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य हाईटेक वन। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे जो दोस्त हैं डॉक्टर मुकुल गोसेवाड़े, जो एक मशहूर कंसल्टेंट होम्योपैथिस्ट है, उन्होंने उनका समय निकाल के ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी हेल्प की है, उसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये प्रेस्टीज कंपनी का वैक्यूम क्लीनर है और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि उस वीडियो में इसकी सारी जानकारी मैंने दी है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से हम इस कार को क्लीन करने वाले हैं और आप देख सकते हैं इस कार के अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो देखना है दोस्तों कि ये वैक्यूम क्लीनर इस कार को कितने अच्छे से तरीके से क्लीन करता है या नहीं कर पाता। तो आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसको शुरू करते हैं। ये है प्रेस्टीज का टाइफून 05 मॉडल, जिसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम वेट क्लीनिंग यानी ये पानी को कितने अच्छे तरीके से क्लीन करता है ये भी देखेंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये वैक्यूम क्लीनर इस कार को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन कर रहा है, छोटे से छोटे पार्टिकल को ये खींच रहा है। ये देखिए दोस्तों, पीछे वाली सीट की तरफ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। इसको अगर हाथों से या फिर ब्लोअर से निकालने जाएंगे तो ये सही तरीके से नहीं निकलेगा। इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर 1200 वाट का पावरफुल मोटर लगा है, इसकी वजह से इसका जो सक्शन पावर है काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अगर आप कार का मैटी निकालोगे तो आपको इस टाइप के डस्ट पार्टिकल देखने को मिलेंगे, और ये जो डस्ट पार्टिकल है इनको यहाँ से निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये वैक्यूम क्लीनर इस डस्ट पार्टिकल को इतनी आसानी से निकाल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस क्लीनर ने कार को कितने अच्छी तरीके से क्लीन किया है। अभी हम इस वैक्यूम क्लीनर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके डस्टबिन में कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सारा डस्ट इसके अंदर कलेक्ट हुआ है और इस फिल्टर में भी बहुत सारा डस्ट लगा हुआ है। इस फिल्टर की वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल है मोटर के अंदर नहीं जाते और मोटर ख़राब होने से बच जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको वेट क्लीनिंग करके दिखाऊंगा, तो चलिए दोस्तों, अभी हम एक बकेट में पानी लेते हैं और देखते हैं कि ये वैक्यूम क्लीनर उस पानी को कितने जल्दी खींच लेता है। तो वेट क्लीनिंग करते समय हमें ये जो फ़िल्टर है ये रिमूव करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने इस फ़िल्टर के साथ वेट क्लीनिंग की तो फ़िल्टर ख़राब हो जाएगा।
अभी हमने फ़िल्टर निकाल दिया है और हमने ये होस पाइप अटैच किया है। इस बकेट में हम पानी लेंगे और अब देखते हैं कि ये पानी को कितने जल्दी खींच लेता है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड में इस फिल्टर ने बकेट को खाली कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस क्लीनर को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा पानी इसने खींच लिया है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।